सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अरबी पत्ते की कढ़ी कैसे बना सकते हैं उनकी रेसिपी आज आप लोगों तक शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, औरों सब्जी की तुलना में अरबी पत्ते की कढ़ी बनाना बहुत ही डिफरेंट रहता है। जैसे कि हम अदर सब्जी बनाते हैं, बैंगन, भिंडी, तो उन सब की तुलना में अरबी पत्ते की कढ़ी बनाना बहुत ही थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इसका कढ़ी बनाकर टेस्ट करेंगे तो आप दोबारा बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे। फ्रेंड्स, ज्यादातर ये होता है कि हम लोग और सब्जी को बनाते हुए अपने मम्मी, दादी, इन लोग को देखते हैं, लेकिन अरबी पत्ते की कढ़ी, फ्रेंड्स, और सब्जी को तो हम अपने दादी मम्मी को बनाते देखते हैं तो एक बार में सीख जाते हैं, पर अरबी पत्ते की कढ़ी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और ज्यादातर है कि आजकल की लड़कियों को अरबी पत्ते की कढ़ी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसकी रेसिपी बताने से ही समझ में नहीं आती है, इसको एक बार बना के देखेंगे तो ही ये समझ में आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अरबी पत्ते की कढ़ी कैसे बनाते हैं। ये कढ़ी बनाना मुझे भी नहीं आता था फ्रेंड्स, इस कढ़ी की रेसिपी मैंने अपने मम्मी से सीखी है जो मैं आप लोगों तक आज शेयर करूंगी। और अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आप वीडियो को देख के इतना टेस्टी कढ़ी बनाएंगे कि आपको दोबारा बनाने की इच्छा जरूर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अरबी पत्ते की कढ़ी कैसे बनानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अरबी पत्ता तोड़ लेंगे। ये देखिए, अरबी पत्ता प्रायः सभी अपने घर में उगाते हैं, मैं भी उगाई हूँ, तो हम इसको पहले तोड़ के धो लेंगे। इसको धोने के बाद अब इसके लिए इस रेसिपी में क्या क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमें प्याज काटना पड़ेगा। प्याज हमें छोटे छोटे काटना है, इस तरीके से हमें प्याज दो कैटेगरी में काटना है, एक छोटा छोटा काटना है, एक बड़ा काटना है। और लगेगा टमाटर, ये देखिए हर सब्जी में तो टमाटर स्वाद बढ़ाता ही है, तो मैं यहाँ पर 5 टमाटर काटी हूँ। जो छोटे छोटे प्याज मैंने काटे हैं वो 3 काटे हैं, और जो और एक प्याज मैं तड़का लगाने के लिए काटी हूँ। और हरा मिर्च, मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो कम ले सकते हैं, अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा ले सकते हैं। टमाटर को फिर मिक्सी जार में ग्राइंडर करके इसको अच्छे से पीस लूंगी। फिर इसमें हम शामिल करेंगे इस रेसिपी में कढ़ी पत्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कढ़ी पत्ता है। कढ़ी पत्ता आपके शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट है और सब्जी में स्वाद लाने के लिए भी बहुत ही स्वादिष्ट है। इसकी सुगंध से ही सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इस कढ़ी को बनाने के लिए हमें बेसन लेना है। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया है, करीबन 1 पाव। ये देखिए 1 पाव से थोड़ा ऊपर ही है। आप जितने लोगों के लिए कढ़ी बना रहे हैं, आपके घर में जितने सदस्य हैं, उस अनुसार से आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। तो आप बेसन जो है वो अपने हिसाब से मिला सकते हैं। फिर इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से घोल बना लेना है। फ्रेंड्स, आपको इसका जब घोल बनाएंगे तो चम्मच से नहीं करना है, क्योंकि हम चम्मच से करते हैं तो बेसन जो है वो अच्छे से नहीं घुल पाता है, तो इसको आपको हाथ से ही अच्छे से घोलना है। फिर इसको अच्छे से घोलकर अरबी पत्ता को हमें छोटे छोटे काट लेना है। हम गैस पे कढ़ाई पर पानी चढ़ा देंगे, हमें पानी को गर्म करना है, उबालना है। तो हम इस बेसन को तैयार करते तक, इसको घोल बनाते तक हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। फिर अरबी के पत्ते को छोटे छोटे काट लेना है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आपको ज्यादा भी छोटा नहीं काटना है और ज्यादा बड़ा भी नहीं काटना है, आपको इसी साइज में काटना है। देखिए, फिर इसको हम जो बेसन का घोल बनाया है उसी में डाल लेंगे। फिर इसमें हम जो प्याज काटे हैं उसको डालेंगे। हमें इसमें जो बड़े प्याज में काटे हैं उसको नहीं डालना है, इसको हम जो छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं उसको डालना है। जैसे कि हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे प्याज काट कर डालते हैं, उसी तरीके से इस प्याज को इसमें डाल देना है। फिर इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कड़ी पत्ता है, हमें इसमें थोड़ा सा डालना है। थोड़ा सा हम जब तड़का लगाएंगे उस समय डालेंगे, जब इसको छौपेंगे तो उस समय हमें जो बड़े पीसेस में प्याज लिए हैं और जो कड़ी पत्ता लिया है उसको भी डालना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक को भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। याद रहे फ्रेंड्स, आपको चम्मच से मिक्स नहीं करना है, चम्मच से मिक्स करेंगे
तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए आपको हाथों से ही करना है। और इसको आपको अच्छे से 5 मिनट तक मिक्स करना है। अगर आप 5 मिनट तक मिक्स नहीं करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। 5 मिनट मिक्स करने के बाद आपको इसे अच्छे से 5 मिनट तक मिक्स कर लेना है। फिर हम एक थाली में तेल लेंगे और इसी थाली में हम मिक्स किए हुए बेसन को लगाएंगे, ताकि हम इसको जो गैस पे कढ़ाई रखे हैं उसमें रख सके और वो भाप पे अच्छे से पक सके। फिर इसमें हमें जो मिक्स किए हैं जो भी इंग्रेडिएंट हम कढ़ी बनाने के लिए मिक्स किए हैं उसको इसमें इस तरीके से लगा देंगे। फिर इसको हमें भाप में अच्छे से पकाना है। आप पहले थाली में तेल कर ले, नहीं तो ये नीचे में चिपक जाएगा। तो हम तेल लगा के इसको कर रहे हैं, पतला सा करना है फ्रेंड्स, आपको ज्यादा मोटा भी नहीं करना है। ये देखिए हमारा कढ़ाई का पानी जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसमें हम थाली को रख करके ढक देंगे और ये जो है वो भाप में पकेगा। हमें इसे भाप में 10 से 15 मिनट तक पकाना है, उतने देर में ये पक जाएगा। आप इसको छू के भी देख सकते हैं कि पका है कि नहीं। अगर ये कड़ा हो जाएगा तो आप समझ लेना कि ये पक गया है, अगर ये गीला ही रहेगा तो इसको थोड़ा सा और पकाना है। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट तक रखी थी। ये देखिए ये कितने अच्छे से पक गया है, ये टूट नहीं रहा है, हाथों पे चिपक नहीं रहा है, गिल्ला नहीं है। फिर इसको हमें कट कर लेना है, इसको छोटे छोटे पीसेस बना लेना है इस तरीके से। देखिए ये जब भाप में पक जाएगा तो ये कितने अच्छे से पीस बनेगा आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पीस बना लेना है। अब इसमें हम फिर हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, 2 चम्मच आपको तेल डालना है। फिर ये जो पीस बनाए हैं बेसन के लेप से तैयार करके, उसको हमें अच्छे से लाल होने तक तल लेना है। ज्यादा भी लाल नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं जलाना है, हल्का हल्का सा इसको तलना है इस तरीके से। ये देखिए ये अच्छे से भाप में पका है तो टूट नहीं रहा है, इस तरीके से आप इसको तल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको सब पीसेस को तल के निकाल लेना है। ये देखिए मैंने सब पीसेस को तल लिए हैं। इसको तलने में मुझे 5 मिनट समय लगा है, तो आपको भी लगेगा। फिर इसको तलने के बाद अब चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम फिर से तेल डालेंगे कढ़ाई पर। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें सरसों डालेंगे। सरसों डालने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे फ्रेंड्स, जो सब्जी के टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। फिर इसमें हमें प्याज डालना है, जो हमने बड़े बड़े पीसेस प्याज काटे थे उसको डाल लेना है। उसको फिर अच्छे से हमें तल लेना है। जब थोड़ा सा लाल हो जाए फिर उसमें हमें जो पीसे हुए टमाटर लिए हैं उनको डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स प्याज जो है वो अच्छे से इसमें डला गया है। फिर इसमें हम मसाला ऐड कर लेंगे, तो हम इसमें हल्दी डालेंगे। मसाला आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कई लोग कम मसालेदार सब्जी खाना पसंद करते हैं, कई लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इसमें हम थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। मिर्च डालने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसको हमें अच्छे से तलना है, जब तक ये मसाला अच्छे से पक ना जाए इसको तलते रहना है। मसाले को हम अच्छे से लाल होने तक तलते हैं, क्योंकि यही जो है वो सब्जी के स्वाद को बढ़ाते हैं। अगर आपका मसाला अच्छे से नहीं तलाएगा तो आपके सब्जी में स्वाद भी नहीं आएगा। तो हमें इसे अच्छे से इस तरीके से तल लेना है। जब ये देखिए फ्रेंड्स मेरा मसाला जो है वो अच्छे से तला गया है, लाल हो चुका है। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी खटाई। खटाई तो सबके घर में अवेलेबल ही रहती है। खटाई का मतलब आप समझ ही गए हैं, दही डालना है इसमें। फिर इसमें पानी डालना है, दही में ही हम सब्जी बनाएंगे तो पूरा खट्टा हो जाएगा। तो हम खटाई डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे। खटाई को भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कई लोग खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कई लोग कम पसंद करते हैं, तो आप अपने अनुसार ले लें। फिर इसमें पानी डाल लें। पानी डालेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो उसके लिए हम लगार बनाएंगे। इसको लगार बोलते हैं। तो आप पानी में 1-2 चम्मच बेसन से अच्छे से घोल बना लें। इसको हमें खटाई और पानी डालने के जस्ट तुरंत बाद डालना है। तो इसको 1-2 चम्मच बेसन को अच्छे से हाथ से घोल बनाकर इसमें डाल देना है, ताकि ये जो कढ़ी का सब्जी है वो थोड़ा सा और गाढ़ा हो। फिर कढ़ी में जब अच्छे से उबाल आ जाए, ये जो हम खटाई डाले हैं, मही डाले हैं, बेसन से लगा डाले हैं, उसमें जब थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगे फिर हम इसमें जो पीसेस बनाए हैं उनको डाल देंगे। अरबी पत्ते का जो पीस है उनको डालेंगे इसमें इस तरीके से। फिर इसको आपको अच्छे से पकाना है। खटाई डाले हैं जो, उसको अच्छे से पकाएंगे तभी स्वाद आएगा। तो उसको आपको करीबन 5 मिनट तक पकाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकाई हूँ। ये कितना गाढ़ा और कितना टेस्टी बना है, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि खटाई सब्जी में तो सबको क्योंकि खटाई की सब्जी तो सबको पसंद ही रहती है। तो इस तरीके से आप अरबी पत्ते की कढ़ी बनाकर खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना लजीज और टेस्टी दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में अरबी पत्ते की कढ़ी बना सकते हैं। अगर आप एक बार बना लेंगे इस कढ़ी को तो आपको दोबारा बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, और अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए मेरा वीडियो जरूर देखें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके के यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।